एक शिक्षक ने क्लास के सभी बच्चों को एक एक खूबसूरत टॉफी दी और फिर कहा, बच्चों आप सबको 10 मिनट तक अपनी टॉफी नहीं खानी है। और ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा उसके सामने पड़ी टॉफी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ उन्हें खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और वो शिक्षक क्लासरूम में आ गए। निरीक्षण किया, पूरे वर्ग में 7 बच्चे थे जिनकी टॉफियां जस की तस थी, जबकि बाकी सभी बच्चे टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद पर टिप्पणी कर रहे थे। शिक्षक ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया और नोट करने के बाद पढ़ाना शुरू किया। इस शिक्षक का नाम प्रोफेसर वॉल्टर मशाल था। कुछ वर्षों के बाद प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में खोजबीन शुरू की। काफी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि 7 बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है और अपने अपने क्षेत्र में सबसे सफल साबित हुए हैं। प्रोफेसर वॉल्टर ने अपने बाकी वर्ग के छात्रों को भी समीक्षा की और उन्हें यह पता चला कि उनमें से ज्यादातर एक आम जीवन जी रहे थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सख्त आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी प्रयास और शोध का परिणाम प्रोफेसर वॉल्टर ने एक वाक्य में निकाला और वह यह था, जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता वह संभवतः अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमेलो थ्योरी रखा गया था, क्योंकि प्रोफेसर वॉल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उसका नाम मार्शमेलो था। यह फोम की नरम टॉफी थी। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण धैर्य भी पाया जाता है, क्योंकि यह खूबी इंसान के बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाती है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता और वह एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है।